हेलो दोस्तों, अगर आप एक ट्रस्ट फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो आज का वीडियो से आपको डिटेल नॉलेज मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रस्ट दो किस्म के होते हैं। पहला है पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसको हम लोग नॉर्मली एनजीओ के नाम से जानते हैं, और दूसरा है प्राइवेट ट्रस्ट। पहले मैं आपको दोनों का बेसिक डिफरेंस बता दूँ। देखिए, जो पब्लिक ट्रस्ट है वो जनरल सोशल सर्विस के लिए बनाया जाता है। आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट है जो सोशल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कोई ट्रस्ट है जो गरीब बच्चों का एडुकेशन का काम कर रहे हैं, कोई कोई है जो खाना बना के जो गरीब आदमी उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई कोई ऐसा है कि कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो बनाया जाता है। जैसे कोई मान लीजिए मोनूमेंट है या कोई हिस्टोरिकल कोई ऑब्जेक्ट है, उसको मेंटेनेंस करने के लिए भी कोई ट्रस्ट बनाया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे सोशल सर्विस सोशल पर्पस के लिए बनाया जाता है। कुछ दिन पहले ही हम लोग जानते हैं कि कुछ नेचुरल डिजास्टर आए थे, तो वहाँ पे भी बहुत सारे ट्रस्ट जाके जो विक्टिम्स हैं उन लोगों को हेल्प करते हैं। तो ऐसा बहुत सारा जनरल यूटिलिटी का काम करने के लिए एक पब्लिक ट्रस्ट फॉर्मेशन किया जाता है। अब बात करते हैं प्राइवेट ट्रस्ट के बारे में। देखिए, प्राइवेट ट्रस्ट का स्कोप बहुत ही लिमिटेड होते हैं और इसमें जो बेनिफिशियरी है वो पहले से स्पेसिफाइड किया जाते हैं। जैसे कोई आदमी मान लीजिए वो बुजुर्ग है, तो वो क्या कर सकते हैं, एक प्राइवेट ट्रस्ट फॉर्म कर सकते हैं, और प्राइवेट ट्रस्ट फॉर्म करके एक ट्रस्टी को अपॉइंट कर सकते हैं। अब वो ट्रस्टी का काम होगा कि वो ट्रस्ट प्रॉपर्टी से जो इनकम जनरेट होंगे वो बेनिफिशियरी को बांट देंगे। तो इस हिसाब से भी प्राइवेट ट्रस्ट फॉर्म किया जाता है। तो अगर आप जनरल पर्पस कोई सोशल सर्विस देना चाहते हैं तो पब्लिक ट्रस्ट फॉर्म कीजिए, और अगर आप कोई रेस्ट्रिक्टेड या होमली कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई ट्रस्ट बनाना चाहते हैं तो प्राइवेट ट्रस्ट बना लीजिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको जनरली बताऊंगा कि अगर आप एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट यानी एनजीओ फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे। देखिए, आपको सबसे पहले मेंबर्स गैदर करने होंगे। मेंबर्स गैदर करने के बाद आपको पोस्ट एलोकेशन करने होंगे। नॉर्मली एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट में मिनिमम तीन पोस्ट तो रहते ही हैं। एक है ट्रस्टी का, दूसरा है सेक्रेटरी, और तीसरा है ट्रेजरर का। इसके साथ साथ आप जनरल पीपल को लेके भी एक ट्रस्ट फॉर्म कर सकते हैं, और उन लोगों का स्टेटस होंगे नॉर्मल मेंबर्स। इन सभी का केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में हम लोग आधार कार्ड और पैन कार्ड को ही सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं। साथ साथ हर एक मेंबर्स और ट्रस्टी सेक्रेटरी हर एक पर्सन का फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी भी चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है आपको लोकेशन फिक्सअप करने होंगे। आप जब कोई ट्रस्ट बनाने जा रहे हो तो वो ट्रस्ट आपको किसी के घर में बनाने होंगे, या आप अपने घर में भी एक ट्रस्ट बना सकते हैं, प्रोवाइडेड उस केस में आपको जो ओनर है उससे एनओसी लेने होंगे, लेटेस्ट टैक्स रिसीप ओनरशिप प्रूफ लेने होंगे। मैंने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो पोस्ट किए थे कि अगर आप एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो कैसे आप एक डीड प्रिपरेशन करेंगे। वो वीडियो पोस्ट करने के बाद मेरे पास बहुत सारे क्वेरी आए, और वो क्वेरी ऐसे थे कि सर, मैं एक स्टेट में रहता हूँ, मैं चाहता हूँ दूसरे की किसी स्टेट में जाके मैं वहाँ पे कोई सोशल सर्विस करूँ, तो क्या मुझे हर एक स्टेट में अलग अलग ट्रस्ट या एनजीओ फॉर्मेशन करने होंगे। देखिए, इसका नॉर्मली ये हम लोग आंसर देते हैं कि आप जहाँ पे लोकेटेड हैं वहीं से आप अपना ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, और साथ साथ ट्रस्ट का डीड में ये मेंशन कर लीजिए कि आप पैन इंडिया सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो आप दूसरे जगह पे भी जाके सर्विस दे सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर उस जगह पे सर्विस देने के लिए स्पेसिफिक कोई स्टेट रिलेटेड लॉस नहीं है तब। अदरवाइज आप एक एनजीओ फॉर्मेशन करके किसी भी जगह पे आप जाके कोई भी सोशल सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अगला जो चीज़ है वह है कि आपको ट्रस्ट का एक ऑब्जेक्ट और नेम को प्रपोज करने होंगे। आप याद रखिए कि आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और नेम क्लॉज जो है वो जितना प्रिसाइज हो उतना ही अच्छा है। ये सारा चीज़ एक्युमुलेट करने के बाद आपको एक ट्रस्ट डीड बनाने होंगे। आप जहाँ पे लोकेटेड हैं वहीं पे नज़दीकी कोई भी एडवोकेट से जाके मिलिए, तो वो आपके बिहाफ में एक ट्रस्ट डीड बना के देंगे। अगर आप हमसे कुछ सर्विस मांगते हैं तो हम लोग भी आपको एक ट्रस्ट डीड बना के प्रोवाइड कर सकते हैं। हालांकि हम लोग जनरली ऑनलाइन मोड में सर्विस देते हैं, तो इसलिए आप जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमको ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू भेजेंगे, और हम लोग यहाँ से ट्रस्ट डीड बना के आपको भाया ऑनलाइन प्रोवाइड करेंगे। ये जो सर्विस है ये पेड कंसल्टेंसी सर्विस है।
आपको अगर पेड सर्विसेज लेने होंगे तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई जनरल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो उस केस में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, पर अगर आपको पेड सर्विस चाहिए तभी आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, क्योंक्योंकि हम लोगों के पास हर दिन बहुत सारे क्वेरी आते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और वो भी एट रीजनेबल कॉस्ट। चलिए, तो आपको ये डिट प्रिपरेशन करने होंगे। डिट प्रिपरेशन करने के बाद आपको रजिस्ट्रार के ऑफिस में विजिट करने होंगे। रजिस्ट्रार के ऑफिस में जब आप डिट को सबमिट करेंगे तो वहाँ पे रजिस्ट्रार कुछ पॉइंट्स को एडिशन और डिलीशन करेंगे, वो अपने हिसाब से डिट में थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे। हालांकि हम लोग जानते हैं कि हर स्टेट में ट्रस्ट या एनजीओ बनाने का जो स्पेसिफिक गाइडलाइंस है वो सेम है, पर कुछ स्टेट स्पेसिफिक रूल्स हैं जिस वजह से कहीं कई जगह पे एक दो पॉइंट एडिशन डिलीशन होते हैं, वो रजिस्टर आपको कर देंगे। अगला जो चीज़ है वो है कि जैसे आपका डिट एक बन जाता है तो आपको तभी फिक्सअप करने होंगे कि गवर्नमेंट रेवेन्यू कितना है, गवर्नमेंट फीस जितना होंगे उतना का आपका स्टैम्प पेपर खरीदने होंगे। तो वो आप जो स्टेट में बिलोंग कर रहे हैं उस स्टेट का जो रजिस्ट्रार है उनसे पूछ लीजिए। नॉर्मली हम लोग वेस्ट बंगाल में देखते हैं कि 6% आपका लगता है रजिस्ट्रेशन फी एंड स्टैम्प ड्यूटी, कई कई स्टेट में ये 10% भी है, तो ये परसेंटेज जो है वेरी करते हैं। तो जैसे आप स्टैम्प पेपर खरीद लेंगे और फिर स्टैम्प पेपर में जो ट्रस्ट डीड है उसको फाइनली बना लेंगे, फिर आपको रजिस्टर के पास फिजिकली अटेंड करने होंगे। तो आप पहले रजिस्टर के पास जाइए, सारा चीज़ को एक बार दिखा के ड्राफ्ट जो है वो अप्रूव कर लीजिए और फिर आप स्टैम्प पेपर में उसको फाइनलाइज कर लीजिए। अब जो रजिस्टर है वो आपको एक डेट और टाइम प्रोवाइड करेंगे, उस डेट और टाइम में आपको सारा मेंबर्स को लेके गैदर करना है। वहाँ पे आपका जो ओरिजिनल ट्रस्ट डीड है उसको सबमिट करने होंगे और जो सारे मेंबर्स है सारे मेंबर्स का फोटोग्राफी और सिग्नेचर भी लिया जाएगा। तो ये सारा करने के बाद आपको एक IGR का कॉपी हैंडओवर किया जाएगा। ये IGR कॉपी एक एक्नॉलेजमेंट है, तो ये एक्नॉलेजमेंट आपको तुरंत ही मिल जाएगा। और उस एक्नॉलेजमेंट का जो कॉपी है यानी जो IGR का कॉपी है वहीं पे लिखा रहता है कि आप 7 दिन या 15 दिन बाद आइए। कई कई बार तो आपको सिर्फ IGR का कॉपी मिल जाएगा और ओरली बताया जाएगा कि आप 7 दिन या 15 दिन बाद आइए, फिर आप ओरिजिनल डीड जो है कलेक्ट कर लीजिए। तो उस हिसाब से आप जाके ओरिजिनल जो डीड है वो स्पेसिफिक 7 या 15 दिन बाद जाके कलेक्ट कर लीजिए रजिस्ट्रार से। और आपके पास जो रजिस्टर्ड डीड आ जाएंगे वहीं पे आपका ट्रस्ट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी मेंशन रहते हैं। अभी जैसे ही आपके पास ट्रस्ट डीड आ जाएगा फिर आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करने होंगे और पैन कार्ड आने के बाद आप बैंक में जाके अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। साथ साथ आप 12AA80G का भी एप्लीकेशन कीजिए और नीति आयोग रजिस्ट्रेशन का काम भी आप कंप्लीट कर लीजिए। साथ साथ आप अपना जो ट्रस्ट का एक्टिविटी है वो चालू कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ ईयर आपको जाके अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने होंगे, उसको ऑडिट कराने होंगे और इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कराने होंगे। दोस्तों, आई होप कि आज का इस वीडियो से आपको एक ट्रस्ट बनाने का बेसिक गाइडेंस मिल चुका है। मुझे मालूम है कि आपके दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन है, तो आप ये सारे क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक जैसा सवाल मुझे बार बार मत पूछिए। आप सबसे पहले कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे देखिए कि आप जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पहले ही कोई ये क्वेश्चन पूछा है या नहीं। अगर कोई ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर भी उसके नीचे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, तो आप उस चीज़ को देख लीजिए, वहाँ से आपको बहुत सारा क्वेरी रिजोल्यूशन भी मिल जाएगा। फिर अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपको कुछ एडिशनल क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे कंसल्टेंसी सर्विस लेना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर लीजिए, वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप कि आज का वीडियो से आपको बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिला है, इसलिए आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।